मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा है। बढ़िया ही मेरी माँ बनने वाली, मेरी बेटी को सहेलियों को घर बुलाने की इजाजत उसने ऐसे नहीं दी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो हमारी बेटी को अपने हाथ में करना चाहती है, जान गई हूँ। ऐसी बात नहीं है, निदा की दिलचस्पी और खुशी को देखते हुए उसने ये बात की। मेरे दिल में आग लगी थी कसम से, जब वो भागकर उसके गली मिली थी और थैंक यू भाभी कर रही थी। कौन किसको थैंक यू कह रहा है? निदा जान निछावर कर रही थी तुम्हारी बीवी पर। तो फिर मेरी बीवी ने उसकी दिली ख्वाहिश पूरी की है, क्यों ना करे? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम लोगों को तो सारी जिंदगी हमने तरसाया, कभी कोई चीज नहीं लेके दी, रुलाया है, तरसे हो तुम लोग? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुम्हारी बीवी मेरी बेटी को अपनी सरपरस्ती में रखकर आजादी देकर गलत राहों पर चलाना चाह रही है। अम्मी आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। नायाब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। देखा कैसे बीवी की तरफदारी कर रहे, शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने बीवी के फेवर में बोलते हुए? ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं नायाब को कह देता हूँ कि निदा से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं, ये चाहती है ना आप? या कना शुद्ध दो शुद्ध, अगर इसी तरह नाच तफागी रही ना तो कभी कामयाब नहीं होगी। तो समझाएं अम्मी को। देखो बात सुनो, अगर तुम ये समझती हो कि निदा को अपने काबू में रखना चाहती है तो निदा को समझा दो तुम। उसको तो मैं समझा ही लूं, फिलहाल आप इस बेटे को समझाएं। अगर इसने आइंदा मेरे सामने बीवी की फेवर में बात की ना तो देख लेना वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। पल्ले बांध ले ये बात। मुझे समझ आ गई, नहीं करता भी आइंदा से ऐसी कोई बात। नखरे देखो इनके, क्या हर वक्त तुम सर पर सवार रहती हो? आप चुप करके बैठे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये ना कि गुस्से की जद में आप आ जाए। शौकत साहब ब्लड प्रेशर चेक करो अपना, जाओ।